चिराग पासवान, चिराग पासवान एक नंबर। आ उसको तो कोई पशुपति के चिन्हवे नहीं करता, क्यों नहीं चिन्हते हैं? वैशाली क्षेत्र में चिराग बेहतर है, चिराग बेहतर। काहे चिराग जला रहे हैं आप लोग? इसलिए कि नवयुवक है, नवयुवक है। काम करेंगे बिहार के लिए, हाजीपुर के लिए? लुटबो करेंगे तो ठीक रहेगा। पारस तो कहते हैं कि हाजीपुर की जनता जो है हमको नेता मानती। कब पारस कहते हैं? हाजीपुर के जनता उनको चिन्हते थे, उनको चिन्हते हैं हाजीपुर के। किनको बदलो तो उनको चिन्हा लो। पारस अपने आप को राजनीतिक वारिस बताते हैं रामविलास पासवान के? ये ना उस सब के बना दिया है, वही बहुत है। कोई चिंता जनता नहीं चिंता। कोई भी आदमी है जो अपना बेटा के छोड़ के भाई के होगा, पहले बताइए। कोई भी आदमी बाले बच्चा ला न करता है जी, भाई के लिए कोई करता है? उनको लोग नहीं चिंता था, पासवान जी के चिंता था लोग। और उनको बदौलत उनको जिताया गया, तब उनको इन्हें है कहाँ? चिराग पासवान के है। ये आप जो पारस जी का बात कर रहे हैं, तो अभी तक मेरा 24 एज होने जा रहा है, मैं आज तक उनको देखा नहीं हूँ, अभी तक मैं जानता भी नहीं। आपके नाम से सुन रहा हूँ कि यहाँ पारस हमारे कुछ है नेता हमारे। दोस्तों तो बिहार टॉप की टीम जो है फिर से हाजीपुर में है, हाजीपुर जंक्शन, यहाँ स्टेशन के परिसर में हम लोग अभी मौजूद हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि हाजीपुर जंक्शन की तस्वीरें हैं, और यहाँ पर हम लोग हाजीपुर लोकसभा बात करने आए हैं कि हाजीपुर लोकसभा से जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ पर जो भी काम करते हैं, साथ ही साथ इस सीट को किस प्रकार देखते हैं, किसे वो सपोर्ट करते हैं, यहाँ के मौजूदा सांसद पशुपति कुमार पारस को वो चाहते हैं या फिर चिराग पासवान उनके पसंदीदा हैं। पब्लिक ओपिनियन जानेंगे, लोगों की राय जानेंगे, जनता की राय जानेंगे, क्या कहेंगे इस बार के लोकसभा चुनाव में, चिराग पासवान बेहतर या पशुपति कुमार पारस बेहतर? कौन अच्छे लगेंगे, चिराग पासवान? चिराग पासवान ठीक रहेगा। चिराग पासवान क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? चिराग पासवान सर। चिराग पासवान क्यों अच्छे लगते हैं चिराग पासवान? अरे यहाँ बहुत कुछ किए हैं, बहुत कुछ किए हैं। गरीब के भी बहुत ज्यादा देखते थे, बहुत देखते थे। हाँ, उनके पिता के बारे में क्या कहेंगे रामविलास पासवान? हाँ बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। हाँ बहुत बढ़िया थे। इस बार के 2024 इलेक्शन में चिराग पासवान को? हाँ हाँ दम देना है, वोट पारस को आउट कर देना है। अब ये थोड़े कहेंगे सर, हाँ तो चिराग को देंगे तो दोनों लोकसभा सीट की दावेदारी ठोक रहे हैं यहाँ पर हाजीपुर में। अच्छा देखिए, चलिए तो चिराग पासवान जो है बेहतर है, क्या कुछ कहेंगे भैया? चिराग बेहतर या पारस बेहतर? चिराग पासवान पारस क्यों नहीं बेहतर है? चलिए तो चिराग पासवान बेहतर है, क्या कहेंगे बाबा? चिराग पासवान बेहतर है या फिर पशुपति पारस है? चिराग पासवान बेहतर है। क्यों अच्छे लग रहे हैं चिराग पासवान? अच्छे लग रहे हैं। पशुपति पशुपति पासवान के तो कोई आदमी यहाँ चिन्हबे नहीं करता, नहीं चिन्हता है, नहीं कभी ऐबे नहीं करते हैं, कभी नहीं आते हैं, नहीं। पारस को कहते हैं कि हाजीपुर की जनता पूरा खुश है, पूरा काम किया हुआ है। खुश कहाँ है, कोई जनता खुश नहीं है उनसे, नहीं खुश है, नहीं। चिराग आएंगे तो बेहतर करेंगे? हाँ बेहतर करेंगे। चलिए क्या कहेंगे आप, चिराग बेहतर या पशुपति पारस बेहतर, चाचा या भतीजा बेहतर? चिराग पासवान एक नंबर। आ उसको तो कोई पशुपति के चिन्हवे नहीं करता, क्यों नहीं चिन्हते हैं? वैशाली क्षेत्र में तो रामविलास पासवान के भाई बताते हैं अपने आप को? बताने से क्या होगा, हम है नेताजी के गांव के वासुदेवपुर चंदेल, जहां चिराग पासवान और रामविलास जी दोनों आए थे उनके काम में। रामविलास पासवान को तो आप लोग बहुत नजदीक से जानते होंगे, कई बार आए भी होंगे, किस प्रकार का स्वभाव था, जनता से कैसे मिलते थे, संबंध कैसा बनाते थे जनता से? रास्ते पैरे मिलते थे, और वो जा रहे हैं हम रोक देंगे तो रुक जाते थे। पारस अपने आप को राजनीतिक वारिस बताते हैं रामविलास पासवान के? ये ना वो सब के बना दिया है, वही बहुत है। कोई चिंता जनता नहीं चिंता। असली वारिस कौन है, राजनीतिक वारिस असली किसको मानते हैं रामविलास पासवान के, चिराग पासवान को या पारस को? चिराग पासवान को क्या लगता है? अच्छा चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने की बात चल रही है, युवा जो है? छोड़िए ना, मुख्यमंत्री तो बहुमत होगा तो होगा, वो बाद की है, लेकिन चिराग यहाँ से जीत जाएगा। देखिए तो देख सकते हैं कि पूरा जो है कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि चिराग पासवान जीत जाएंगे। किसको पसंद कर रहे हैं, पारस को या चिराग पासवान को? चिराग पासवान को। क्यों चिराग पासवान को? पैसा वैसा दिए हैं क्या चिराग पासवान? काम करते हैं ना, काम करते हैं, जीतते हैं। क्यों पसंद है चिराग पासवान, रामविलास पासवान के कारण या फिर खुद से चिराग पासवान जो है काम यहाँ पे बेहतर करता है? अभी वही आएंगे, हम कौन जाते हैं, वही आएंगे। क्या नाम हुआ आपका? हरिंदर सैनी। चलिए तो देख सकते हैं कि चिराग पासवान क्या कहेंगे, चिराग बेहतर या पारस बेहतर?
चिराग बेहतर है। चिराग बेहतर, काहे चिराग जला रहे हैं आप लोग? इसलिए कि नवयुवक है। नवयुवक है, काम करेंगे बिहार के लिए, हाजीपुर के लिए? लुटबो करेंगे तो ठीक रहेगा। लुटबो करेंगे तो ठीक रहेगा, काहे जी? चलेगा काहे? काम बना के काहे? क्यों क्यों बताइए, क्या है काहे? अब हम क्या बताएं, पसंद है इतना जबरा फैन आप चिराग के? चिराग कितना फैन क्यों है, इतना पसंद क्यों करते हैं चिराग को? नवयुवक है इसलिए। नवयुवक है, नया उमंग है। चलिए तो यहाँ पे नवयुवक भी हैं, कुछ और भी लोग से बात करेंगे। चलिए आगे, आगे की तस्वीर दिखाते हैं कि आगे जो लोग हैं वह क्या कहते हैं। यहाँ पर जो भी मोची भाई हैं वह हाजीपुर स्टेशन पर रहते हैं और उनसे जान लेते हैं, राय जान लेते हैं कि कौन बेहतर है। चलिए बताइए, चिराग पासवान बेहतर है या पशुपति कुमार पारस बेहतर है? ये चिराग पासवान अच्छे हैं। अच्छे हैं चिराग पासवान? क्यों पसंद है चिराग पासवान आपको? हाँ, हम लोग ये काम करते हैं, उनका पिताजी भी काम के गए हैं, इसलिए अच्छे हैं। अच्छा, पारस के राज्य में कितना खुश है हाजीपुर की जनता? खुश तो है ही है, नहीं है ये ज्यादा चिराग पासवान को लेके भाई अच्छी है। तो चाचा भतीजा में भतीजा टॉप कर जाएंगे? हाँ टॉप करेंगे, टॉप करेंगे, हाँ टॉप करेंगे। चलिए तो और भी लोग हैं, और भी लोग से बात करेंगे कि कौन बेहतर है, चिराग बेहतर है या पशुपति कुमार पारस बेहतर है आपकी नजर में? चिराग पासवान। चिराग पासवान, 2024 का इलेक्शन आने वाला है, चुनाव, तो कौन ज्यादा अच्छा रहेगा हाजीपुर के लिए, चिराग या पारस? अब जिसको, अब जनता के ऊपर ना है, जनता के ऊपर है। आप किसको वोट देंगे, चिराग को? चलिए तो और भी लोग हैं, और भी मोची भाई हैं, क्या कहेंगे आप तो युवा हैं, क्या कुछ कहेंगे, चिराग पासवान हाजीपुर के लिए अच्छे रहेंगे या पशुपति कुमार पारस? सर जी, हमें किसी पर भी तो वोट देना है जो हमारे लिए अच्छा लगेगा, हम उन पर वोट गिरा। आप किसको पसंद करते हैं? आप किसको चाहते हैं? अभी तक तो हमें भी कुछ सुनवाई नहीं आया, जो अच्छा लगेगा उनको दे देंगे, जो जो अच्छा लगेगा उनको दे देंगे। और भी लोग हैं, क्या कुछ कहेंगे, हाजीपुर की जनता किसको पसंद करेगी, चिराग पासवान या पारस को? वो हम क्या कहें, इसको आप किसको चाहते हैं, पारस आए या चिराग पासवान आए हाजीपुर से? हम तो लोकल कौन बेहतर लगते हैं, चाचा या भतीजा? अब हम किसको कहें? चलिए तो अभी कुछ लोग खुलना नहीं चाह रहे हैं, चलिए तो कोई बात नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं लोग जो हैं वह हाजीपुर की जनता जो है रुझान चिराग पासवान के तरफ ज़्यादा देखा जा रहा है। क्या कुछ कहेंगे, हाजीपुर में हैं हम लोग, चिराग पासवान बेहतर रहेंगे हाजीपुर के लिए कि पशुपति कुमार पारस? चिराग पासवान। चिराग पासवान क्यों अच्छे लगते हैं, चिराग पासवान अच्छे लगते हैं, काम करते हैं, काम करते हैं। उनके पिता रामविलास पासवान काम किए थे हाजीपुर के लिए? करे थे, किए थे। तो चाचा भतीजा में भतीजा बाजी मार जाएंगे? हाँ मार जाएंगे। चलिए तो क्या कुछ कहेंगे, चुनाव आने वाला है 2024 का, चिराग भी दावा कर रहे हैं हाजीपुर सीट, पारस भी कर रहे हैं, तो कौन जीते, चाचा या भतीजा जीतेंगे? भतीजा जीतेंगे। भतीजा क्यों जीतेंगे? भतीजा जीतेंगे। चाचा तो बड़े हैं ना, चाचा जीते। चाचा बड़े रहने से क्या होगा, जो 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 यहाँ के करके गए हैं वो जान नहीं था, उनको पहचाना, अब फिर उनको लात मार दिए तो पहले भतीजा न पहले चाचा। पारस तो कहते हैं कि हाजीपुर की जनता जो है हमको नेता मानती। कब? पारस कहते हैं हाजीपुर के जनता उनको चिन्हते थे, उनको चिन्हते हैं हाजीपुर के, किनको बदौलत उनको चिन्हा लोग, पासवान जी के बदौलत, जब वो अपना घर नहीं सुधार सके तो हाजीपुर के क्या। वो कहते हैं कि हम वारिस हैं, राजनीतिक वारिस जो हैं रामविलास पासवान के हम हैं, रामविलास पासवान चाहते थे कि हाजीपुर पारस लड़े, मेरा बेटा चिराग पासवान नहीं लड़े, क्या कितना लग रहा है, कितना सच्चाई इस बात में? कोई भी आदमी है जो अपना बेटा के छोड़ के भाई के होगा, पहले बताइए, कोई भी आदमी बाले बच्चा ला न करता है जी, भाई के लिए कोई करता है नहीं करता है, तो पासवान जी जो है भाई के लेके माने वो पहली बार जीते, उनको लोग नहीं चिंता था, पासवान जी के चिंता था लोग, और उनको बदौलत उनको जिताया गया, तब उनको इन्हें है कहाँ, चिराग पासवान के है, पूरे फील्ड पासवान जी का है, चिराग पासवान का है। लग रहा है चिराग पासवान टॉप कर जाएंगे इस बार, करेंगे कि जैसे पासवान जी जीते थे उस तरह पास चिराग पासवान भी जीतेंगे। चलिए तो कहना है कि रिकॉर्ड मत से जो है चिराग पासवान पर जीतेंगे। क्या कहेंगे, हाजीपुर के लिए कौन बेहतर आपकी नजर में, चिराग या पशुपति कुमार पारस? चिराग पासवान। चिराग पासवान क्यों बेहतर है चिराग? वो पहले से काम करते आ रहे हैं यहाँ के संसद बहुत दिन से, 1977 से लड़ाई लड़ रहा है। जनता के दुख दर्द को कौन ज्यादा समझता है? जो ये हाजीपुर जंक्शन जो है पासवान जी का देन है, जो ये हाजीपुर का जंक्शन मन इतना उधार है, जोन ऑफिस है उन्हीं का देन है, दूरभाष केंद्र है उन्हीं का देन है, पारस जी का क्या है, पारस जी का क्या है,
अच्छा, केंद्रीय विद्यालय का जो है मुद्दा उठ रहा है कि केंद्रीय विद्यालय हाजीपुर से हो सकता है हट जाए, जिसको रामविलास पासवान ने लाया था, तो पारस हट कैसे जाएगा? वो हट कैसे जाएगा? जो ला दिए है वो हट कैसे जाएगा? बिल्डिंग नहीं है फिर? पारस जी आवाज उठाते हैं, आपको लगता है? कब उठाए, कब चिन्हे? जनता के कब चिन्हे? पारस जी जी हमारा हाजीपुर के जनता है से कब चिन्हे बताइए ना। अब पासवान जी के यहाँ दिल्ली तक 24 घंटा हाजीपुर के नाम लेते हुआ द्वार खुला हुआ रहता था, रात हो या दिन हो पासवान जी हाजीपुर से आए, चलो भाई इसको फ्री करो। अभी क्या करेंगे, कहला मुँह से कुछ निकलवाइए। चलिए, तो देख सकते हैं और भी लोग हैं। कौन बेहतर है, चिराग या पारस? चिराग। चिराग क्यों से लगते है? चिराग नौजुवक है, यंग है, ब्रिलियंट है, एजुकेटेड आदमी है। ब्रिलियंट तो तेजस्वी यादव भी है। तेजस्वी यादव में हम टेस्ट नहीं रखते, चिराग भैया में टेस्ट रखते हैं। चिराग पसंद है। चलिए, क्या कहेंगे हाजीपुर की जनता, किसको पसंद करेगी, पारस को या चिराग पासवान को? पारस को। पारस को। पारस को क्यों? ऐसे अच्छा आदमी है, व्यवहारिक है, विचारी है। चिराग नहीं है व्यवहारिक? जी नहीं। जी नहीं है। अच्छा जी, तो क्या लगता है कि पारस जीतने चाहिए यहाँ से? जी जी, पारस जीतने जी। क्या कुछ काम किए हाजीपुर के लिए पारस? बहुत कुछ किए हैं, सब आदमी को नजर में रहते हैं, जब खोजिए तो। अब लोग कह रहे हैं कि मिलने नहीं आते हैं पारस? दम आते हैं, जब जरूरी पड़ता है तो आदमी खोजता है तो आते ही हैं। लोग कह रहे हैं कि केंद्रीय विद्यालय का जो मुद्दा उठ रहा है, पारस केंद्रीय मंत्री हैं लेकिन अब पहुंचते नहीं है केंद्रीय विद्यालय में, लोग बच्चे परेशान हैं, शिक्षक परेशान हैं, पर केंद्रीय विद्यालय जो कहने का अब हाजीपुर से हटता दिख रहा है, ना बिल्डिंग अच्छा है, पारस कभी देखने नहीं आया, ऐसा लोगों का कहना है, क्या कहेंगे? पर कंप्लेन किया जाए, वो खुद आएंगे, आएंगे ही आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? ठीक है सर, पारस को लाना चाह रहे हैं आप? जी सर। चलिए, क्या चिराग बेहतर या पारस बेहतर? अब हमको इसके जानकारी, आप बताइए चिराग बेहतर या पारस बेहतर? मेरे लिए कांग्रेस बेहतर। कांग्रेस बेहतर है? अरे बात, कांग्रेस हाजीपुर में कांग्रेस को लाना चाह रहे हैं? हाँ आए, क्यों नहीं, व्हाई नॉट, कांग्रेस आना चाहिए भाई। देश में इतनी महंगाई, इतनी बेरोजगारी, इतनी भ्रष्टाचारी, इतनी बलात्कारी, कौन सा मुद्दा ऐसा है जो जहाँ बीजेपी नहीं छोड़ रहा है? 2019 के चुनाव में तो एक सीट कांग्रेस लाई है लोकसभा में, तो क्या लगता है इस बार क्या होगा? इस बार 300 पार, अब की बार 300 पार रहेगा। हाँ देखिए, एक और जो है भाई साहब कांग्रेस को पसंद कर रहे हैं और हाजीपुर से कांग्रेस को लाना चाहते हैं, क्या कहेंगे, चिराग बेहतर या पशुपति कुमार पारस बेहतर? दोनों में से कोई बेहतर नहीं भाई, कोई बेहतर नहीं, कोई नहीं, क्योंकि काम ही नहीं, बिहार का विकास कहाँ है पहले ये? तो अभी हम आए थे कंप्लेन करने के लिए, कंप्लेन के लिए 3 घंटा हमको लग गया। रेलवे मिनिस्टर जो बोलता है कि हमारे पास इतना लोन, इतना फाइनेंस करवा रहे, ये करवा रहे, वो करवा रहे, कुछ नहीं है। एक सिंपल सा है कि हम टिकट देने आए यहाँ पे कैंसिल करवाने के, टिकट कैंसिल नहीं हुआ हमारा, ऊपर से खाली इसके पास जाओ उसके पास जाओ। मोदी जी तो कहते हैं कि ऑनलाइन सुविधा है, सारा ऑनलाइन हो रहा है। ऑनलाइन कुछ नहीं है, सिर्फ ये ढोकोसला है, आना तो आपको पेपर पे ही है, कुछ काम होगा पेपर से ही होगा। यहाँ पे जो भी आइएगा प्रोसेस में चलिए, प्रोसीजर में चलिए, प्रोसीजर में जाने के बाद बोलते हैं कि नहीं सॉरी आपका कुछ नहीं हो सकता है, तो क्या ऑनलाइन जाए कि ऑफलाइन जाए, हम क्या करें, कुछ समझ ही नहीं आता। कोई विकास करने आएगा क्या करेगा, आएगा 5 साल रहेगा, कुछ काम करेगा और क्या ही होगा, कुछ नहीं हो सकता है इस देश का। नया कांग्रेस भी रही है, बीजेपी भी रह रही है, 10 साल से है ना बीजेपी, क्या हुआ, किसका विकास हुआ, कुछ नहीं हुआ। चलिए, तो हमारा विषय चिराग और पारस है, तो क्या लगता है कोई कि चिराग पारस के अलावे कौन हो सकते हैं हाजीपुर से? ये आप जो पारस जी का बात कर रहे हैं, तो अभी तक मेरा 24 एज होने जा रहा है, मैं आज तक उनको देखा नहीं, अभी तक मैं जानता भी नहीं, आपके नाम से सुना हूँ कि यहाँ पारस हमारे कुछ है, नेता हमारे सांसद है, हमको नहीं, एकदम नहीं पता, मुझे देखा ही नहीं मैं उन्हें आज तक किसी फील्ड में। चिराग पासवान वो अभी अभी दिख रहे हैं, हर चीज में, हर चीज में आवाज उठा रहे हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि वो आए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सोचेंगे, क्योंकि वो अब दिख रहे हैं फील्ड में, जो दिखेंगे तो मैं उन्हीं के पीछे चलूंगा ना। पारस कभी मिले नहीं आप लोग? एकदम नहीं मिले। रामविलास पासवान जी थे ना हमारे हाजीपुर के लिए, बहुत कुछ किया उन्होंने, सही सांसद थे, बहुत कुछ दिया, जनरल ऑफिस दिया, प्लस रेल मंत्री, बहुत बहुत सारा चीज़ दिया, यहाँ पे नाइपर दिया, सीपेट दिया, बहुत कुछ दिया, लेकिन चिराग पासवान उन्हीं के बेटे हैं, तो पढ़े लिखे हैं, हम लोग चाह रहे हैं कि वो आए और हमारे यहाँ का डिस्ट्रिक्ट का विकास हो। चलिए और लोग से बात करेंगे, कौन बेहतर है आपकी नज़र में, चिराग पासवान या पारस, कौन बेहतर, चिराग पासवान या पारस? पारस। पारस बेहतर है, जो पारस बढ़िया लग रहा है आपको? वो अनुभवी हैं, ये भी नए हैं। इन अभी नए हैं जी, तो लोग तो कह रहे हैं कि चिराग पासवान जो है युवा हैं, अच्छा काम करेंगे, एक्टिव रहेंगे। वो तो रहेंगे लेकिन अनुभव की भी तो जरूरत होती है। चलिए, तो यहाँ पारस है, यहाँ कुछ महिलाएं, उनसे बात कर लेंगे, कौन बेहतर है चिराग पासवान या पशुपति पारस? हम लोग महाराष्ट्र, महाराष्ट्र जलगांव से आप लोग? चलिए कोई नहीं, चलिए आप लोग, ये लोग महाराष्ट्र से हैं, तो देख सकते हैं कि हाजीपुर का यह जगह है, हाजीपुर स्टेशन का परिसर है, और कहीं ना कहीं चिराग पासवान को लेकर जो है ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है, और यहाँ की जनता कह रही है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें
चिराग पासवान को हम वोट देंगे। इक्का दुक्का जो लोग हैं वो पारस को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। काफी यहाँ पर लोगों के मन में शिकायत है कि जो पारस जो है वो मिलने नहीं आते हैं, उनका दुख दर्द नहीं समझते हैं और क्षेत्र भ्रमण भी नहीं करते हैं। हालांकि युवाओं का कहना है कि हम युवा सरकार चाहते हैं, युवा नौजवान चाहते हैं और खासकर चिराग पासवान को जो है लोग युवा जो है यहाँ के वो काफी पसंद कर रहे हैं। तो हाजीपुर लोकसभा के बारे में क्या विचार है अभी हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखते रहे बिहार टॉप। धन्यवाद।